सत श्रीकाल, मैं डॉक्टर गौरवजीत। अज दी एक छोटी जी वीडियो इस विषय के उपर बनानी चाहूँगा कि जेडे दीन ने उन्हां उपर कोई भी स्प्रे है जी वह असर करनों क्यों हट जाती है। हुण आ वीडियो दे विच जिवें आपां देख रहे हाँ कि इत्थे स्प्रे की गई सी, काफ़ी ज़्यादा नदीन सी जेडे वह खत्म हो गए। आ देखो आ खंडी है बिच्चे, हर किस्म का नदीन है, चौली पत्ती वाला, तो गुली डंडा, बाथू, खंडी, खब्बल, गाजर बूटी, हर किस्म का नदीन है इत्थे। तो आप देख भी रहे हैं लाल लाल पत्ते होए हुए ने जंगली पालक दे। जिहड़ी खंडी है वह भी खत्म हो रही है। ये उपर जी स्प्रे की गई है वह की गई है टॉपिक प्लस लीडर, तो चौड़ी पत्ती के नदीना वास्ते जी आप वरतते हैं क्लोडीनो फॉप, यानी कि जे आप टैक्नीकल की गल करिए क्लोडीनो फॉप, सल्फूरोन, तो मैट सल्फूरोन, ये तिने स्प्रे हैं ये उपर की गई सी। परंतु हूँ आप देखिए आ गुली डंडे का बूटा एक दिखाई दे रहा, तो ये उपर असर हो चुका, परंतु यह पूरी तरीके मरिया नहीं। हालांकि काफ़ी दिन हो गए, हूँ ये बल्ली भी कढ़ूगा। हूँ ये वास्ते मैं एक होर बूटा दिखाना, आ देखो आ वाला ये मैं पटते हूँ बूटे, तो आ बूटा आ यदी बल्ली है। हूँ जिहड़ा बीज ये पैदा होगा, हालांकि आ देखो ये थलों पीला भी होया है, इस बल्ली दे विच जिहड़े बीज निकलणगे उन्हां दे विच रेजिस्टिविटी जिहड़ी हैगी आ इन्हां स्प्रेहां दे प्रति आ चुकी होगी। इस तरीके नाल आ देखो आ पटिया हुण मैं जंगली पालक, इहदे विच भी इहने आ उपरले पासे बल्ली कढ़नी शुरू करती आ इत्थों, ते हुण इहदे विच भी रेजिस्टेंस जिहड़ा हैगा उह बण चुकिया होगा। इवें जिवें इत्थे बाथू है जिहड़ा उहदे उपर भी जिहड़ियां किते किते छोटियां छोटियां बल्लियां निकल रही ने। देखो आ जंगली पालक इहदा भी सेम ही है, बल्ली कढ़न लग रहा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जिहड़े बीज फिर बन जाते ने इन्हां दे विच रेजिस्टेंस आ जाता, यानी कि इन्हां दी प्रतिरोध समर्था जिहड़ी उह इन्हां नदीन नाशकां दे प्रति वध जांदी है। ते उह बीज जदों फिर खिंडणगे जां हवा नाल जाणगे इत्थों उड के बाण दे विच, ते उन्हां तों जिहड़े पैदा होण वाले बूटे होणगे तां उन्हां दे विच जिहड़ी हैगी उह इन्हां नदीन नाशकां दे प्रति प्रतिरोध समर्था जी वो बन जूगी। हाँ देखो इतनी भी की हुई है, परंतु इन्हें आ कट रखे ने बल्लियाँ, ये दाने बन रहे हैं, भावें यह पूरे तरीके ना भी बन, पर फिर भी जोड़े कुछ दाने इन चो बन जाएंगे जो वो अगे फिर हरे हो गए, तो जोड़े इन नदीन नाशकों के असर उन्होंने काफ़ी घट होगा। तो इस तरीके अगले साल जो आप फिर उन्होंने उपर यही स्प्रे करा तो वो उपर होर जोड़ा है वो प्रतिरोध बाजूगा। लगातार तीन चार साल स्प्रे हाँ इको स्प्रे कर बाद जोड़े कुछ बूटे बच जाते हैं हर साल, तो उन्होंने यह प्रतिरोध समर्था बढ़ती जाती है। तो इस तरीके हौली हौली ये जोड़े बीज ने इना पौद्या दे तीन चार साल उदू अगले साल तक इस दे प्रति इन नदीन नाशकों के प्रति पूरी तरह रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टिविटी उन्हें आ जाती है, प्रतिरोध समर्था आ जाती है। यही हाल इस जो पही के उपर से वो पिछे दिखाई दे रहे हैं, ये जो जोड़े बूटे से काफ़ी पट दते ने खत्म कर दते हैं, कित कि हले रह गए।
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨਾ ਸ਼ਕੋ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਡਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਣਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਣਕ। ਧੰਨਵਾਦ।